फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गाइस आज की जो मेरी वीडियो है वो है ट्वेल्थ एनआईएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे होम साइंस जिसका कोड है 321 उसके सॉल्व टीएमए के बारे में। ये टीएमए होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, सेशन 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर आप लोगों ने अप्रैल 2022 में एनआईएस बोर्ड से एडमिशन लिया हुआ है तो भी आप यही टीएमए का सोल्यूशन तैयार करेंगे, और अगर आपने अक्टूबर में 2022 में एडमिशन लिया हुआ है तो भी आपका यही असाइनमेंट होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों के सेम होते हैं अप्रैल और अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स के, तो आपका असाइनमेंट भी इसी तरीके से बनेगा। फुली सॉल्व असाइनमेंट यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनआईएस बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, साथ ही साथ आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस और बहुत सारे सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, ये सभी आपको हमारे चैनल पर आराम से मिल जाते हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में मैंने बहुत सारे असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किए हैं, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो बहुत सारे असाइनमेंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बात करूं होम साइंस के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल से अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी भी कर सकते हैं, लाइक आपका हिंदी है, इंग्लिश, डाटा एंट्री है, पेंटिंग है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट की स्टडी आप हमारे चैनल पाई स्टडी सर्कल से कर सकते हैं। होम साइंस की जो पूरी प्लेलिस्ट है आपके सिलेबस की, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप घर बैठे चैप्टर वाइज अपना जो है स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है प्रैक्टिकल जो है आपके प्रैक्टिकल के सोल्यूशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले गाइस अगर आपको जो है असाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि असाइनमेंट को टीएमए भी कहा जाता है। टीएमए की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, इन्हीं को आपका असाइनमेंट कहा जाता है। ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स से बनते हैं, और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में आपको असाइनमेंट तैयार करना पड़ता है। हर सब्जेक्ट में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस करने को आते हैं, और उन 6 क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ए और बी करके, तो आपको केवल ए के ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसी को लिखना होता है। बाकी टीएमए सबमिट करने क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टीएमए के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको एक डेमो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें आपको पूरी फाइल मैंने आपको दिखाई दी असाइनमेंट की अपनी, किस तरीके से आपको बनानी है, फ्रंट पेज कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको काफ़ी नॉलेज जानने को मिलेगी। और साथ ही साथ टीएमए का फ्रंट पेज कैसे बनाए, स्लिप कहाँ से मिलती है, वो सभी जितनी भी असाइनमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहला गाइस आप लोगों का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। आपने क्वेश्चन लिख दिया, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के बाद गाइस आप लोग लिखेंगे अपना आंसर, तो आप लोग देख सकते हैं आपका आंसर ये रहा। ठीक है, तो आपको जितना इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि आपका पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो है वो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं होते। आगे बढ़ लेते हैं गाइज, आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। जब आप क्वेश्चन लिख लेंगे तो फिर आप जो है अपना आंसर लिखेंगे। तो आहार, पोषण, स्वास्थ्य, इन तीनों के बारे में इनका संबंध बताना है, इनका क्या रिलेशन है एक दूसरे से, तो आप देख सकते हैं तीनों की हेडिंग है, हेडिंग के साथ इनकी थोड़ी थोड़ी हम लोग डिटेल लिखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और लास्ट में आप इस क्वेश्चन में ये भी ऐड कर देंगे, अच्छे आहार के द्वारा शरीर में पोषण मिलता है, ये सब चीज़ आप लिख देंगे इसमें। चलेगा इस कीप स्टडी इन पाई स्टडी हमारे चैनल के थ्रू, आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी आप कर सकते हैं, चैनल की अलग अलग लिस्ट चेक करिए। 10th वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो। और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर हमने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग लिखेंगे अपना ये क्वेश्चन, किन्हीं 2 पारिवारिक मूल्यों का उल्लेख करें जिन्हें आप अपने साथियों के दबाव से भी नहीं छोड़ेंगे, और अपने जीवन के लिए बनाए गए 2 लक्ष्यों को लिखें। तो आप देख सकते हैं 2 पारिवारिक मूल्य निम्नलिखित हैं, जो अगर हमारा कोई फ्रेंड भी बोलता है ना कि इन चीज़ों को छोड़ दो, तो भी हम नहीं छोड़ सकते। तो आप ये रहे इन चीज़ों को लिखेंगे कि देखो हम अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पहली चीज़, हर स्थिति में साथ रहेंगे। और फिर दूसरा है कि साथियों के दबाव में अगर हम किसी तरीके के गलत कार्य में नहीं फंसेंगे, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, इस तरीके से। इसके बाद आप हमारे जीवन के लिए बनाए गए 2 लक्ष्य आप लिखेंगे, तो आप कोई भी लक्ष्य इस तरीके से लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ बेहतरीन इसमें लिख सकते हैं, हमें जो अच्छा लगा हमने वो लिखा है, तो आप सेम एज इट इज इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 गाइस मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, इतना ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप जो है ये 2 पॉइंट में आपको इसको आंसर को लिखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 गाइस आप लोगों का जो है ये आपका थोड़ा सा एक कहते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा आंसर ज़्यादा ही लिखेंगे। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को TMA की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7303838500। इस नंबर पर आपको TMA की और साथ ही साथ अपना जो है प्रैक्टिकल जो होते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट से उन सभी के सोल्यूशन की PDF फाइल मिल जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको जो है थंबनेल पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि PDF फाइल के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, तो जो भी चार्ज होगा हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस, इस नंबर को आप ज़रूर सेव करके रखिए ताकि जब आपको PDF की ज़रूरत पड़े तो आप ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके अंदर भी आपके दो पॉइंट हैं जिनको आपको कवर करना है। पहला, भोजन को पकाना क्यों ज़रूरी है, और दूसरा के पकाने से पहले जो है क्या क्या क्रियाकलाप आप लोग करते हो। तो आप देख सकते हैं ये रहा पहला पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग ही आंसर रहेगा। अब पहले पॉइंट के अंदर यहाँ पर 5 पॉइंट है जो आप लिखेंगे, उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है इसके अंदर भी आप इस तरीके से ये 4-5 पॉइंट लिख देंगे कि ब्लंचिंग करना, धोना, काटना, छीलना इस तरीके से, फिर मैश करना, मैश करना मतलब मसलना, फिर कद्दूकस करना, और यू नो श्रेडिंग यानी कतले काटना, पीसना इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप करते हो, भिगोना, छानना। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिनिश हो गया है, बाकी आगे बढ़ते हैं। बाकी आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 5 जो अगेन आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया है बी ऑप्शन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। तो पहला पॉइंट वही है, प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों के बारे में बताओ, और फिर दूसरा है कि आपका एक मित्र कोई भी निर्णय लेने से पहले द्विधा में चला जाता है, निर्णय प्रक्रिया के चरणों के बारे में बताइए। तो दोनों पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आपका। तो आप देख सकते हैं ये रहा पहला जो हम लोगों का है, प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण हैं। तो पहला चरण योजना बनाना, दूसरा व्यवस्था करना, इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, आगे फिर है नियंत्रण, ठीक है, और चौथा है हमारा मूल्यांकन। चलिए बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो। और इसका जो हम लोगों का दूसरा पॉइंट है कि निर्णय प्रक्रिया के 4 चरण बताइए, तो ये आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर 4 चरण आपसे पूछे हैं। तो इनके बारे में पहला चरण ये रहा, आप देख सकते हैं इसको यू नो और है इसको जो है कहते ना हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा आपका ये रहा, दूसरा चरण आप देख सकते हैं, फिर तीसरा है विकल्पों का मूल्यांकन, तीसरा ये रहा, फिर चौथा। चलिए तो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी दिखा दिया है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि भाई अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7303838500। तो यहाँ पर हम आपको TMA या फिर प्रैक्टिकल के असाइनमेंट की PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे। बाकी वीडियोज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, आप वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। जो चीज़ हम PDF में आपको प्रोवाइड करते हैं वही वीडियो में आपको मिलेगा। तो गाइस आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यहाँ पर हमने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। और बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को ज़्यादातर डायरेक्टली बुक में या गाइड में नहीं मिलता, लेकिन हमारे चैनल पाई स्टडी सर्कल की खासियत यही होती है कि यहाँ पर हम आपको जितने भी असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं उन सभी में 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन दें और बाकी के लिए आपसे बोलें कि लाइक करो या फिर वेट करो। तो चैनल की खासियत यही है कि फुल्ली सॉल्व आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। कई सालों से हम बच्चों को असाइनमेंट के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ से असाइनमेंट तैयार करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। आप देख सकते हो लास्ट ईयर के जो हमने असाइनमेंट बच्चों को सॉल्व करके दिए थे उन बच्चों को भर भर के वहाँ से मार्क्स मिले हैं। आप कमेंट सेक्शन जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ का। तो यहाँ पर हमारे जितने भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, उन सभी के अंदर आपको फुल्ली सॉल्व असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान आपने काफ़ी समय अपने परिवार के साथ घर में बिताया, आपने इस समय अवधि में निम्न दिए गए आधारों पर जो कुछ सीखा या जानकारी हासिल की उसकी सूची बनाएं और अपने मित्रों से साझा करें। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको लिखना है, आपके परिवार ने इस दौरान आपकी कैसे मदद की, क्या संयुक्त परिवार का इस दौरान ज़्यादा महत्व रहा, क्या आप सहमत है कि शिक्षा का एक बालिका के जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन तीनों के बारे में आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, हमारे परिवार ने लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार से हमारी मदद की। तो पहले पॉइंट के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट यही है कि संयुक्त परिवार का लॉकडाउन के समय अधिक महत्व रहा। तो दूसरे पॉइंट के अंदर भी हमने कुछ जो है यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो आप देख सकते हैं ये रहे, मैं फटाफट से दिखा देती हूँ आपको। फिर गाइस आपका तीसरा पॉइंट है, आपसे पूछा गया था कि भाई क्या यू नो तीसरा पॉइंट, एक मिनट देख लेते हैं क्या था आपका तीसरा पॉइंट, कि क्या आप सहमत है कि शिक्षा का एक बालिका के जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हाँ मैं सहमत हूँ कि शिक्षा का एक बालिका के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तीसरे पॉइंट के बारे में आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए
तो यहाँ पर हम लोग का छठा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहे क्वेश्चन आपका, ये रहा पहला पॉइंट ये रहा इसका, फिर दूसरा ये रहा, तीसरा पॉइंट आपका ये रहा। चले गाइज, विद दिस वी हैव डन अवर असाइनमेंट सॉल्यूशन। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही साथ किसी स्टूडेंट को इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करनी है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल पर एनआईएस के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करा रही हूँ, आपका रीडिंग सेशन, राइटिंग सेशन, ग्रामर। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर विजिट करिए और वहाँ पर मुझे सपोर्ट करिए। लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम मतलब बाय मी, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज अवेलेबल है, जैसे कि आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ से जितने भी आप अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको नंबर दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा आपका जो है बहुत सारे सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ आपका होम साइंस का सिलेबस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं क्योंकि आपकी एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं एनआईएस बोर्ड की तरफ से, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइम से प्रोवाइड कर देती हूँ। तो बेशोर सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।